अरे इसकी बाइक कहाँ गई? बाप रे दीदी दीदी। हाँ? बाहर बाइक नहीं है, इतनी सुबह सुबह संजू कहाँ चला गया? वो किसी को मारने के लिए सुबह सुबह उठकर चला गया। भगवान, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मार खा कर आएगा तो ब्रूफेन, या चोट लगेगी तो डेटॉल तैयार कर रही हूँ। दीदी। हाँ? तुम उसकी असली माँ ही हो ना? क्यों सारे साहब, जब वो पैदा हुआ तब तुम भी वहीं पर थे ना, तो ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जीजा जी देखो, ज्यादा लाड़ प्यार भी ठीक नहीं होगा। ए तो चुपचाप जा ना, उसके आने का टाइम हो गया है। हाँ? वो देखो आ गया। तू हट। मारने के लिए गया था, मार खा के आ गया। अगली बार मारूंगा देखना। ये क्या बेटा, मैंने तो तेरे लिए डेटॉल और कॉटन तैयार करके रखा था। शादी के बारे में बताता तो आरती की थाली तैयार करके रखती ना। मार नहीं गया था माँ, देखना दिखाई नहीं देता। इतने झगड़े के बाद शादी कैसे हुई? सुनो सुनो सुनो, मैं काव्या को छेड़ रहा हूँ इसलिए मारने आए हो, या प्यार करता हूँ इसलिए मारने आए हो? तुम्हारा दोस्त नफरत करता है इसलिए उसने बोला कि मैं छेड़ रहा हूँ। अगर मैं छेड़ रहा हूँ तो मारो, गलत नहीं मानूंगा, लेकिन सच्चा प्यार करने वाले को मारना सरासर गलत है। हमें कैसे पता चलेगा तेरा प्यार सच्चा है या नहीं? हाँ कैसे पता चलेगा? अपने तीन बेस्ट फ्रेंड के नाम बता। गणेश, सुजीत, श्रीनु। फोन लगा। अरे बॉस, ये काव्या और कल्याण का चक्कर क्या है? वो काव्या से प्यार करता है और जब देखो क्लास में काव्या के बारे में ही बोलता रहता है। अरे वो इंडिया के मैप खरीदने पर जैसे श्रीलंका का नक्शा फ्री मिलता है ना, वैसे ही उसकी लव स्टोरी सुनेगा तो कविताएं भी सुननी पड़ती हैं। एक बियर पिला के सारी रात अपनी लव स्टोरी सुनाता है भाई। उसके दोस्तों ने कहा तो तू मान जाएगा? ए, कोई लड़की से झूठ बोल सकता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन प्यार के बारे में दोस्तों से कोई झूठ नहीं बोलता। इसके दोस्तों ने बताया है किसका प्यार सच्चा है।